Hey guys, subscribe my YouTube channel and press the bell icon to always get notification about my new video. Hey, what's up Radar, this is Radar Star and welcome back to my channel. और जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरे पास R15 V3 है और इससे पहले मैंने उसमें एक टेम्परेरी टैंक पैड लगवाया था जो कि लोकली मैंने परचेस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो इसका ओरिजिनल टैंक पैड है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, बट जो मैंने टेम्परेरी टैंक पैड लगाया था उसकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी बेकार थी और लगाने के एक दो दिन बाद ही वो पील ऑफ होने लगा और मुझे लगाना ज़रूरी था इसलिए मैंने उसको टेम्परेरी लगा रखा था। तो आज वो चीज़ आ चुकी है जो कि मेरे R15 V3 में आज लगने जा रही है। तो गाइस, मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये प्रोडक्ट जो कि R15 V3 के लिए है, रेसिंग ब्लू कलर के लिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं ये टैंक पैड है और R15 V3 version 3 के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर फ्यूल लिट का भी पैड मिलता है इसमें आपको और एक स्लीक सा डिज़ाइन इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं ये टैंक पैड और इसके साथ फ्यूल लिट का भी पैड मिला हुआ है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें जो कलर है रेसिंग ब्लू वो बिल्कुल मैचिंग का है R15 V3 का और इसमें आपको जो टैंक पैड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है और जो ये पैड है वो SR ग्राफिक्स से मैंने मंगाया था और इसका करीबन प्राइस मुझे जो पड़ा था वो 300 रुपये था। अगर आपको ये परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अभी इसको फिक्स करते हैं अपनी R15 V3 में और उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मेरी R15 V3 से मैच करता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है और ये पील ऑफ हो चुका है यहाँ से। अभी मैं इसको निकालता हूँ, उसके बाद नया वाला टैंक पैड इसमें लगाते हैं। तो ये अच्छे से क्लीन हो चुका है और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी इसमें लगाता हूँ टैंक पैड। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्यूल लिट कवर है तो यहाँ के लिए भी एक पैड मिला हुआ है, तो वो भी मैं इसमें फिक्स करूँगा। तो चलिए वैसे आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुका है और इसके जो कर्व्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और इसके अलावा बात करें फ्यूल लिट कवर का पैड, वो भी काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुका है और बिल्कुल कलर जो है वो मैचिंग का है इसका और ये प्रोटेक्टिव भी है। पूरा लुक दिखा देता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसके मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। तो रेडर्स, देखा आपने कि मैंने R15 V3 में अपने टैंक पैड लगा दिया है और काफ़ी अच्छा इसका मैच आ रहा है, फिनिश भी काफ़ी अच्छी है और जो इसके साइड एज है वो भी काफ़ी अच्छे से आ चुके हैं सेंटर में। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ ये प्रोटेक्टिव भी है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही और आप कमेंट करके बताओ कि टैंक पैड कैसा लग रहा है। अगर आपको परचेस करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, अगर पसंद आएगा तो खरीद सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, कीप राइडिंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। साइनिंग ऑफ़।